डेज वीडियो इज गो बी ऑल अबाउट फेशियल हेयर रिमूवल मुझे बहुत सारे क्वेस् आए एंड द मोस्ट ऑफ दो क्वेस्र क्या शेविंग के बाद आपके हेयर ग्रोथ तेज हो जाएगी विल यू गेट हार्डर हेयर कोर्सर हेयर और विल यू गेट अ मैन बियड सो आई एम गोन बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेस्ट सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड डू नॉट स्किप अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट इज गो बी रियली इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल So, without any further ado, let's get into the video. So, as you can see today, I am sitting in front of the camera without any makeup on because today is Saturday. Every Saturday, I go ahead uh, doing my manicure, pedicure, hair oiling, hair wash, proper weekly skin care, and facial hair removal.

You just have to remove your facial hair only if you want to. If you want to get a clean face to remove your facial hair, only then should you go ahead removing your facial hair. It should be just a choice and not a pressure. हैविंग दैट सेड मैं अपने फेसियल हेयर रेगुलरली रिमूव करती हूँ नॉट जस्ट बिकॉज आई एम ऑन द कैमरा बट इट हेज बीन थ्री इयर्स सिंस आई एम शेविंग माई फेस एंड आई एबसल्यूटली लव दिस प्रोसेस I am a very hairy person, be it on the face or on the body and I like to keep it all clean. So that is the reason why I started shaving my face, all those who had asked me a lot of questions over the Instagram regarding face shaving. So this video is going to be very useful for you. Jesse Hamare Sarpe Balhen. Similarly we have hair follicles on our face as well from where hair growth happens.

discussing what are the possible methods that you could get rid of your facial hair with facial hair remove करने के लिए there are a lot of natural and semi permanent methods looking towards the natural methods आप threading करवा सकते हैं waxing करवा सकते हैं आल्सो आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं सो नाउ मैं आपको इन तीनों मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दूंगी सो दैट इट बिकम्स इजीियर फॉर यू टू डिसाइड कि आपको कौन से मेथड के साथ जाना है सो फर्स्टली आई टॉक अबाउट थ्रेडिंग सो ऑलमोस्ट सबके घर में आपकी मॉम्स आपकी सिस्टर्स थ्रेडिंग करवाती होंगी सो वॉट हैपन्स इन थ्रेडिंग इज यूजिंग अ थ्रेड आप अपने हेयर को रूट से पुल कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल आपके हेयर ग्रोथ काफ़ी टाइम के बाद आते हैं इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस बट इट इज वेरी वेरी पेनफुल अगर आपने थ्रेडिंग करवाई है तो आपको पता होगा दैट आफ्टर थ्रेडिंग यू गेट लिटिल रेड बम्प ऑन योर स्किन बिफोर गोइंग फॉर शेविंग मैं अपना फेस थ्रेड करवाती थी एंड दैट प्रोसेस वॉज सो पेनफुल दैट आई यूज टू जस्ट पोस्टपोन माई थ्रेडिंग डेज एंड आई यूज टू कीप माई आई ब्राउज वेरी बुशी टिल द पॉइंट कि अब नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा थ्रेडिंग के लिए ओनली देन आई यूज टू गो फॉर थ्रेडिंग बिकॉज दैट प्रोसेस वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी एंड फॉर माई लिप्स वो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था मुझे इतना दर्द होता था आई लिटरली यूज टू क्राई इन द सेलॉन एवरी टाइम आई यूज टू गो फॉर थ्रेडिंग सो दैट प्रोसेस इज डेफिनेटली नॉट फॉर मी तो अगर आपका पेन टॉलरेंस ज्यादा है और आप वो दर्द सह है सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर थ्रेडिंग इट विल गिव यू क्लीन अ फेस

ऐसा नहीं करना है की पूरे फेस पे वैक्स लगा के एक ही साथ में उसको खींच दे बिकॉज वॉट दैट विल डू इज आपके फेस की स्किन बहुत लूज हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट गेट इंग रिंकल ऑन योर फेस एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट वॉट यू वॉन्ट तो अगर आप वैक्सिंग के लिए जा रहे हैं तो आप एक टाइम पे सिर्फ छोटी एरियाज ही वैक्स करवाएं एंड मेक श्योर जब वैक्स कर रहे हैं तो यू स्ट्रेच दैट एरिया एंड देन यू पुल इट ऑफ सो दैट आपकी स्किन लूज नहीं पड़ेगी तो यू कैन गो फॉर वैक्सिंग बट अगेन इट इज़ पेनफुल बिकॉज आप अपने रूट से अपने बाल को खींच रहे हैं तो इट इज़ पेनफुल एंड ऑल्सो समटाइम्स इफ़ नॉट डन प्रॉपर्ली वैक्स से आपकी स्किन जल भी सकती है आई हैव ऑल्सो ट्राइड वैक्सिंग थ्रेडिंग में मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था अपर लिप में तो आफ्टर दैट आई स्टार्टड वैक्सिंग माई अपलिप सो वो काफी सही रहा मेरे लिए काफी टाइम तक ता, क्योंकि उसमें ऑल दो पेन होता था बट वो सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए होता था बिकॉज इन वन गो यूज पुल दैट स्ट्रिप एंड इट इज डन बट देन वंस देर वॉज अ लिटल बर्न ओवर माई अपलिप देन आई स्टॉप वैक्सिंग माई फेस यू कैन गो अड विद वैक्सिंग बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वेन यू वैक्स योर फेस देन यू ऑल्सो कैन ब्लीच योर फेस नाउ वट ब्लीच ड आपको मार्केट में ब्लीच के पैकेट्स मिल जाते हैं यू कैन गेट दैट और यू कैन गो टू द पार्लर टू गेट योर फेस ब्लीच ब्लीच में क्या होता है यू लाइट इन द कलर ऑफ योर हेयर सो दैट इट मैचेज द कलर ऑफ योर स्किन एंड इट जस्ट इज नॉट विजिबल बट आई हेट ब्लीचिंग फॉर टू रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो केमिकल होता है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हार्म योर स्किन तो मैं वो ब्लीच तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती वंस वी गॉट फेशियल फॉर माई मदर एंड दैट इज वैन वी ट्राइड ब्लीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो उसमें होता क्या है जब आप धूप में बाहर निकलते हैं एंड सनलाइट हिट्स ऑन योर फेस आपके बाल ऐसे शाइन करने लग जाते हैं इट फील सो 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 बैड इट डजन लुक गुड एट ऑल सो एक तो आप केमिकल लगा के अपनी स्किन हार्म कर रहे हो उसके ऊपर से इट डज इन लुक गुड ओनली इन द सनलाइट योर हेयर विल शाइन आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर ब्लीचिंग बट इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट इट इज अनादर मेथड ऑल्सो आर सेमी पर्मांट मेथड्स जिससे आप अपना हेयर काफी टाइम के लिए रिमूव करा सकते हो आजकल मार्केट में यू गेट लेजर हेयर रिमूवल मेथड तो अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है बहुत जल्दी हेयर आ जाते हैं या बहुत थिक हेयर है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लेजर ट्रीटमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज हुट टू गेट रिड ऑफ द हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इट इज अ बिट एक्सपेंसिव बट यू कैन गो फॉर इट इफ यू वॉन्ट टू आफ्टर दैट द लास्ट टाइप ऑफ हेयर रिमूवल उाइल वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज यूजिंग टीज और घर पर खुद ही कर सकते हो सो वॉट यू कैन डू विद ट्वीजर्स आप ट्वीजर्स लेके यू कैन जस्ट पुल दट हेयर ऑफ सो वन इज दैट यू कैन ऑल्सो ट्वीज योर आई ब्राउज द एक्सट्रा हेयर दैट यू गेट अंडर यूर आई ब्राउ यू कैन ट्वीज दैट इज वेल बट again it is very painful so i don't do it then you can go in with epilators or face trimmers what that does it it chops your hair length if you have very long hair on your face or very coarse hair you can go in with face epilators what that will do is it will chop off the length of your hair and then you can go in with the face razor so i don't have a very coarse growth and also i keep shaving my face regularly तो मेरी हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा तो नहीं होती है कि मुझे पहले एपिलेटर फिर रेज़र्स के साथ जाने की जरूरत पड़े तो आई जस्ट यूज रेज़र्स डायरेक्टली ऑन माई फेस तो मैंने सारे हेयर रिमूवल मेथड्स की बात की है जो आप आसानी से घर पर कर सकते हो या पार्लर भी जा सकते हो आई टॉक्ड अबाउट थ्रेडिंग वैक्सिंग ब्लीचिंग लेजर ट्वीजर्स एपिलेटर्स और फेस ट्रिमर्स एंड नाउ फाइनली मैं बात करूंगी फेस शेविंग की बिकॉज दैट इज वॉट आई डू फॉर माई फेस एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर थ्री इयर्स सो आई हैव अ लॉट ऑफ टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू हु वॉन्ट टू स्टार्ट फेस शेविंग जिससे आपका प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट फेस रेजर्स फेस रेजर्स लुक समथिंग लाइक दिस सो आप सिंगल पीस भी परचेज कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन बाय देम इन सेट्स Usually, they come in a set of three. Face razors, first of all, are very, very affordable. It is the most affordable and convenient way. टू रिमूव योर फेशियल हेयर आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे लोकल स्टोर पर भी मिल जाएंगे एंड देर आर लॉट ऑफ ब्रांड दैट सेल फेसियल रेजर इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट शेविंग योर फेस दिस विल कम इन रियली हैंडी और जैसे कि अभी लॉकडाउन भी लग गया था तो हम लोग पार्लर्स भी नहीं जा पाए थे स्टार्टिंग में मैं आई ब्राउज नहीं करती थी अपनी बट लॉकडाउन में मैंने आईब्राउज भी अपनी खुद से ही करनी शुरू कर दी थी तो ये मेरे लिए काफी कन्वीनियंट रहा सो बिफोर शेविंग माई फेस आई जस्ट ब्रिंग यूर लिटिल क्लोजर सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक एट माई फेस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट जब भी आप अपना फेस शेव कर रहे हैं यू विलोर दैट यू टाई योर हेयर टाइटली अप जस्ट द वे आई है पार्टिंग नहीं नथिंग बिकॉज यू कैन नॉट रिस्क मेसिंग अप योर हेयर की शेव करते करते आपने अपनी हेयर लाइन ही आधी उड़ा दी नहीं वंस यू हैव टाइट अप योर हेयर देन कम्स द सेकेंड टेप और द सेकेंड स्टेप देर आर थ्री वेज यू कैन शेव योर फेस हाओ यू कैन ड्राई शेव योर फेस मतलब आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे अपने फेस पे कोई ऑयल नहीं लगाएंगे आप डायरेक्ट अपने फेस पे रेजर्स के साथ जाएंगे ठीक है यू कैन डेफिनेटली ड्राई शेव योर फेस बट उसमें रेजर बोन्स के चांस बढ़ जाते हैं रेजर बोन्स क्या होते हैं वेन यू शेव योर फेस एंड यू रब योर रेजर अ लॉट ऑफ टाइम्स अगेंस्ट योर स्किन सो ड्यू टू फ्रिक्शन योर स्किन गेट्स अ लिटिल सेंसिटिव एंड इट बर्न्स सो दैट इज रेजर बर्न आई डोंट प्रेफर ड्राई शेव सो आई वोट रिकमेंड इट बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट एंड सी वॉट वर्क द बेस्ट फॉर यू क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क करता है विल वर्क फॉर यू एंड वाइसो बोर्ड देन द सेकेंड थिंग इज यू कैन अप्लाई मॉइस्चुराइजर और ऑयल जस्ट बिफोर यू गो शेव योर फेस लाइक राइट नाउ अभी भी मैं मॉइस्चराइजर लगा सकती हूँ अपने फेस पे और फिर मैं शेव करूंगी बहुत लोग ये करते हैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मॉइस्चराइज देयर फेस राइट बिफोर दिस शेव बट मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आप खुद सोचो अभी मैं मॉइस्चराइजर लगा लूँ अपने फेस पे देन आई गोइन विद द रेजर तो वो सारा मॉइस्चराइजर तो शेव करते टाइम निकल आएगा इट विल बी अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वो मॉइस्चराइजर आपकी ब्लेड को टच करेगा तो आपकी जो ब्लेड है इट विल गेट रस्टेड वेरी सून और ये आपके ब्लेड्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम कर देगा तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप मॉइस्चराइजर लगाओ जस्ट बिफोर यू शेव सो आई डू इज शेव करने से थोड़े टाइम पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ आई वॉश माई फेस टोन माई फेस मॉइस्चराइज माई फेस जो भी सीरम ऑयल जो भी लगाना होता है मैं फेस शेव करने से लगभग आधे घंटे पहले कर लेती हूँ सो दैट माई फेस इज वेल मॉइस्चराइज सॉफ्ट इनाफ टू नॉट गेट रेजर बर्न एंड ऑल्सो प्रोडक्ट आई हैज नॉट कम ऑफ विदर्स राइट आई फिक्स माई हेयर लाइन लिटल बिकॉज आई हैवट ऑफ बेबी हेयर हेयर आई डोंट गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दई जस्ट पुल माई हेयर बैकव आई जस्ट क्लीन अप माई हेयर लाइन सो दैट देर इज नो एक्सेस हेयर

तो पहले मैं नहीं रिमूव करती थी बट नाउ आई हैव स्टार्टेड रिमूविंग द एंटायर थिंग एंड आई लाइक इट बेटर दिस वे तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने फेस का कौन सा पार्ट शेव करना है और कौन सा पार्ट शेव नहीं करना है इट विल बी कम्प्लीटली योर चॉइस चॉइसली आई गो इन विद माई फर्स ओके सो जब भी आप फेस शेव करेंगे आप याद रखें जो भी एरिया आप शेव कर रहे हैं यू पुल दैट एरिया अप विद योर लेफ्ट हैंड यू पुल दैट एरिया अप एंड देन यूल गो इन विद योर रेजर एट एन एंगल आप उसको ऐसे नहीं रखेंगे ना ऐसे रखेंगे यूल पुट इट एट एन एंगल एंड देन आप जहाँ पे भी आपकी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है आप उसी डायरेक्शन में शेव करेंगे उल्टी शेव नहीं करनी है आई विल पुल माई स्किन पुट माई रेजर एट एन एंगल एंड वेरी स्मूदली आई विल ग्लाइड माई रेजर ऑन माई फेस विद मिनिम प्रेशर मेक श्योर यू डो नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर फेस एक पेपर आपकी या कॉटन पैड अपने हाथ में रखें और की पाइपिंग योर ब्लेड ऑन दिस पेपर सो दैट अ लॉट ऑफ हेयर और डेथ स्किन ड्यूमलेट ऑन योर ब्लेड क्योंकि अगर ज्यादा हेयर इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर अगेन यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर फिर आपको रेजरबोर्न की प्रॉब्लम हो सकती है नाउ वेन आई डू माई चीक एरिया आई पोल इट फ्रॉम ह्योर एंड देन आई गो Diagonally, because hair growth at this area is in this direction for me. For your hairline, always cover your hairline with your hand so that you don't mess it up. And then, very, very carefully, follow your natural hairline and go in down small downward strokes. Make sure to keep it away from your eyebrows. थोड़ा बहुत हेयर निकल रहा है बिकॉज ज्यादा तो है नहीं अभी मेरे फेस सो so, जब आप अपने चेन एरिया शेप करेंगे मेक श्योर यू पैटन योर लिप्स एंड स्ट्रेच दिस एरिया जितना भी पॉसिबल हो लाइक दिस एंड देन यू विल गो इन स्मॉल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स एंड क्लीन ऑल ऑफ द हेयर यू हैव योर फॉर योर अपर लिप्स ऑब्जर्व योर हेयर ग्रोथ डायरेक्शन मैंने जितने लोगों में ऑब्जर्व किया है जो हमारे अपर लिप में सेंटर हेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेट होते हैं तो यू विल गो डाउनवर्ड्स एंड जो साइड हेयर होते हैं अपर लिप में वो डायग्नल होते हैं तो मेक श्योर यू गो डाइगनली बट जस्ट फॉर वंस सी ऑर सेल्फ इन द मिरर ऑब्जर्व कि आपकी कौन से फेस के पार्ट पे हेयर डायरेक्शन किधर है सो फॉलो दैट डायरेक्शन डू नॉट गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा जब मैं अपने अपर लिप कर रही थी तो आई हैड माई टंग अंडर माई लिप सो वॉट दैट डज इज वो आपकी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगा आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे अपनी पूरी हेयर ग्रोथ उसको क्लीनली शेव कर पाएंगे ऑल्सो कट्स के चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज योर स्किन इज प्रॉपरली स्ट्रेच दिस इज द वे यूर गेट रेड ऑफ हेयर फ्रॉम ऑल ओवर योर फेस अब हम अपनी आई ब्राउज करेंगे सो वॉट आई डू फॉर माई आई ब्राउज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो विद योर यूनी ब्राउज

Now, go diagonally like this, and I got rid of the hair here. Now, for the other side, stretch it a little. Now, I got rid of all the hair that I had here. Very, very carefully, I place my hand on my eyelid and I stretch this downwards.

You can also go in this direction because some of the hair of your eyebrow is horizontal. Now, for the tail of your eyebrow, again, I'll stretch it downwards and I'll get rid of any extra hair that I have. So, I'm done with that. Now, for below the eyebrow, you'll stretch it upwards and in small strokes, you'll get rid of all the extra hair that you have. Now see this is how easily I do my eyebrows you can just pull your eyebrows upwards and if there is any extra length you can chop it off with the very small scissors that you have so as you saw it was this easy to get rid of all your facial hair and get a very very clean and soft face ask me once you start shaving you yourself will know how easy the process is bilkul bhi difficult nahi hai हाँ आईब्राउज स्टार्टिंग में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट आई जस्ट से गेट यूज टू यूजिंग अ रेजर थोड़ा सा ग्रिप बन जाती है तो गो इन विद योर आई ब्राउज इज़ वेल हेयर जल्दी नहीं जल्दी तो नहीं आ रहे हैं थिक तो नहीं आ रहे हैं अगर यू हैव टू चेक इट फॉर योर सेल्फ सो वॉट यू कैन डू इज बाई अ रेजर गो इन एट दिस एरिया अपने नेक के एरिया के हेयर आप रिमूव करें वेट फॉर अ वीक You will notice कि आपके हेयर किस तरह से वापस आ रहे हैं यू विल गेट बैक ओनली वॉट यू ओरिजिनली है कुछ नहीं आएगा हाँ जब आपके हेयर आना शुरू होंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ टच करने में थोड़ा सा दे कैंड फील प्रिकी अब वो क्यों होता है बिकॉज यू आर कटिंग योर हेयर एट एन एंगल तो अभी जब तक तो आपने शेव नहीं किया है तो आपको नॉर्मली आदत है टू तो टच योर नॉर्मल एंडस जो कि बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो तो जब आप उसको एक एंगल में कट कर देते हो, तो ब्लंट आपके हेयर कट हो जाते हैं तो बस यही एक रीजन है कि क्यों स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हेयर आपको ऐसा फील होगा कि बहुत कोर्स हेयर आ गया है कुछ बट ऐसा नहीं होता है एक से दो दिन में वो हेयर के एंड्स वापस नॉर्मल हो जाएंगे एंड अगेन यू थिक तो नहीं आ रहे ये देखने का तो फिर मौका ही नहीं मिलता है बॉज यू जस्ट यू जस्ट लव योर क्लीन फेस दिस मच दैट यू विल नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो बैक एवर अगेन वन मोर थिंग जब आप फर्स्ट टाइम अपना फेस शेव करेंगे

आफ्टर शेविंग योर फेस आपका फेस इतना ज्यादा ब्राइटर लगेगा ग्लो करेगा और यू विल हैव अ वेरी वेरी स्मूथ स्किन बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं बस एक चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब आपने अपना फेस शेव कर लिया है तो दिस इज द टाइम यू गो इन विद योर स्किन केयर फेस वॉश करें टोन करें मॉइस्चराइजर सीरम ऑयल जो भी लगाते हैं ये टाइम है आप लगाएं क्योंकि किसी भी हेयर में वो स्टिक नहीं होगा और आपकी स्किन बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्जॉर्ब करेगी सो दिस इज द टाइम यू गो इन विद ऑल दोज गुडीज एंड यू जस्ट गिव योर स्किन अ पार्टी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम शेविंग के बाद आपका स्किन ड्राई लग सकता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करें एंड यू विल बी गोड टू गो ऑल्सो मेक श्योर टू अप्लाई एस क्योंकि अभी आपने अपनी स्किन से सारी डेड स्किन निकाली है तो मेक श्योर sure कि आप सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बिना एस के मत के बिकॉज ऑब्वियसली यू विल गेट टैन राइट और अभी तो डेड स्किन भी सारी हट गई है एकदम फ्रेश अच्छी अच्छी सॉफ्ट स्किन है तो उसको क्यों ही डैमेज करना है टेक केयर ऑफ इट वेल टेक केयर ऑफ़ योर स्किन इट विल डेफिनेटली लुक गुड सो या दिस इज़ द वे यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल योर हेयर सो इफ़ यू ट्राई फेस शेविंग एट होम Share it with me in the comments box. Aapko kaisa laga face karke. How was your process? How did you like the results? Share it all with me in the comments box below. So, with this, I will end this video. I hope you liked this video. And if you did, please consider hitting the like button. And also, if you have not subscribed to my channel yet, please do it now. And don't forget to hit the notification bell right next to it so that you get notified every time I upload a video. Also, I post beauty related content on my Instagram. This is my handle. Go follow me there as well. I will see you super soon. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.